कल एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक वन विभाग के कर्मचारी को, एक अफसर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। कल एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक वन विभाग के कर्मचारी को, एक अफसर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सुनने में आया है कि ये जो वन विभाग का कर्मचारी था, ऑफिसर था, ये एक ठेकेदार से 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। 30,000 रुपए, और मामला था कि कोई वो कोई काम कर रहा था ठेकेदार, उसको वन विभाग की क्लियरेंस चाहिए थी, तो वो क्लियरेंस के लिए वो बोल रहा होगा, तो उसे 30,000 रुपए मांगे जा रहे थे। कई बार बात आती है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर देखें आप, काम जो है वो ठेकेदार काम तो ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम तो ले लेते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो अच्छा काम नहीं करते हैं। लेकिन वो काम ठेकेदार जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो काम करेंगे कहाँ से अच्छे, रिश्वत लेने वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं। कोई कह रहा हमारी किस्म कमीशन दे दो, कोई कह रहा हमारी कमीशन दे दो, हमें दे दो, हमें इतना परसेंट दे दो, हमें इतना परसेंट दे दो, तो बचता क्या है? ठेकेदार खुद परेशान हो जाते हैं, हम ये काम भी करेंगे, हमारे पास हमें बच भी नहीं रहा है। वो फिर वहाँ पर मिली भगत करता है, कुछ मिलावट कर देता है, या कोई जो माल वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है वो लो क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों का भी प्रदर्शन कई बार रोष देखने को मिलता, कहते हैं कि ये देखो ये काम नहीं हो रहा है। तो काम होगा कहाँ से? ठेकेदारों को भी लूटा जा रहा है, किया क्या जाए? लेकिन वन विभाग की बात करें, वन विभाग के कुछ कर्मचारी जो हैं, पिछले दिनों भी कुछ खबरें इस तरह की आई थी कि वन विभाग के कर्मचारी जो हैं वो रिश्वत की मांग करते हैं, लकड़ियां जो हैं वो बेच देते हैं, मिलीभगत करते हैं। कई जगहों पे तो नाम ही बदल बदल कर ये लोग लकड़ियां भेज रहे थे, और ना जाने क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दिखाते हैं कि उनसे अच्छे कर्मचारी अधिकारी समाज में दूसरे हैं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं। लेकिन ये जो मामला है वो मैं आपको विस्तार से बता दूं कि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक एसीबी को शिकायत मिली थी, और उसमें बताया गया था कि इंचार्ज ब्लॉक फॉरेस्टर तुलेल बड़गाम, एक जगह है तुलेल बड़गाम, वहां पर मोहम्मद सुल्तान भट्ट जो है ठेकेदार, मोहम्मद सुल्तान भट्ट जो है वो एक ठेकेदार से रिश्वत की मांग करा था। ठेकेदार जल जीवन मिशन के तहत कोई सरकारी स्कीम का काम करने में लगा हुआ था, उसे वन विभाग की क्लियरेंस चाहिए थी, और यह शख्स, ये जो वन विभाग का ऑफिसर है, ये उससे क्लियरेंस के बदले में 30,000 रुपये मांग रहा था, 30,000 रुपये। उसके बाद इस ठेकेदार की तरफ से एसीबी को एप्लीकेशन दी गई, कंप्लेंट दी गई, और एसीबी ने पूरा प्लान बनाया, एक जाल बिछाया, और जाल में सोमवार को रिश्वत लेते रंगे हाथों रिश्वत लेते ये वन विभाग का कर्मचारी सुल्तान भट्ट, मोहम्मद सुल्तान भट्ट, ये पकड़ा गया। उसे गिरफ्तार करने के बाद उसके घर में भी छापेमारी की गई है, उसके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है, इससे पूछताछ की जाएगी, और भी बातें जो है वो बाहर आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी एक बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि जो लोग तो एंटी करप्शन ब्यूरो को कंप्लेंट दे रहे हैं, वहाँ पर एक्शन देखने को, कई तो हमने ऐसे ठेकेदार भी देखे हैं जो कंप्लेंट भी नहीं करते हैं, दब जाते हैं, डर जाते हैं, वो कहते हैं कंप्लेंट करेंगे आगे से हमें काम ही नहीं देंगे, ऐसे भी मामले हैं। ठेकेदार ये सोचते हैं कि अगर आज हमने किसी अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट दी तो बाद में उनको काम ही नहीं दिया जाएगा, और ऐसा कई बार हुआ भी है, जिन्होंने कंप्लेंट की, जिन्होंने आवाज उठाई, तो फिर उनका क्या हुआ, उनको धीरे धीरे करके काम ही नहीं देते हैं। तो यह भी हमें लगता है कि थोड़ा सा जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उनका भी फिर ट्रैक रिकॉर्ड आगे देखा जाए, उनको काम मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं ये लोग सारे, क्योंकि अंदर से एक नेक्सस तो है ही। लेकिन इस ठेकेदार ने कंप्लेंट की क्योंकि इसको काम करना था, तो 30,000 रुपये, अब 30,000 रुपये मानते रहेंगे तो कैसे चलेगा।
तो ये मामला हैरान करने वाला है। इसके ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दे इजाजत। नमस्कार।